आज हम बनाएंगे केसर पिस्ता मटकी कुल्फी। पहले लेंगे 1/3 कप चीनी, 8 से 10 काजू, 8 से 10 आलमंड, 7 से 8 पिस्ता चू, हरी इलायची 2-3, अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट हमारा अच्छे से पाउडर हो गए हैं। अब एक बोल लेंगे, इसमें 1.5 कप फ्रेश क्रीम डालेंगे। एक हैंड ब्लेंडर के हेल्प से इसे फ्लफी होने तक ब्लेंड करेंगे। फ्रेश क्रीम हमारा थिक एंड फ्लफी हो गया है। अब इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट पाउडर, अच्छे से मिला लेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर नहीं है तो हैंड व्हिस्कर से आप बीट कर सकते हो। हैंड ब्लेंडर से और थोड़ा सा बीट कर लेंगे। क्रीम हमारा अच्छे से बीट हो गया है। अब डालेंगे इसमें रोस्टेड चॉप्ड पिस्ता। मैंने पहले से ही केसर और दूध को भिगो के रखा था, वो भी डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने पहले से ही मटकी को रात भर पानी में भिगो के रखा था। मटकी को अच्छे से धो के साफ कर लेंगे। अब उसमें डालेंगे क्रीम। सारे मटकी को फूल कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा चॉप किया हुआ पिस्ता डाल देंगे। ऊपर थोड़ा सा केसर डाल देंगे। आपके पास सिल्वर फॉइल हो तो सिल्वर फॉइल से इसे ढक दीजिएगा। मेरे पास सिल्वर फॉइल नहीं था इसलिए मैंने पेपर से ढक दिया है। ये बेकिंग पेपर है, इसके ऊपर एक इलास्टिक लगा देंगे। इसे 8 या 10 घंटे के लिए फ्रिज में रख लेंगे। मैंने पूरी रात फ्रिज में रखा था। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। 5 मिनट के लिए बाहर रखेंगे ताकि ये सॉफ्ट थोड़ा सा हो जाए, आइसक्रीम निकालने के लिए आसानी हो। आइसक्रीम बहुत ही अच्छा बना है, घर में जरूर बना के खाइएगा और सबको खिलाइएगा। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ।